भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। दीदी क्या नाम है आपका? उमाबाई। कहाँ रहते हो आप? हरबंसपुरा। क्या हो गया आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ। कैसे हो गया था? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हरबंसपुरा से आ रहे थे। कहाँ? हरबसपुरा से आ रहे। और कहाँ जा रहे थे? डोंगरगांव। क्या हो गया, कैसे हो गया? उधर से रिक्शा वाला। हाँ भैया क्या हो गया दीदी? ये आ रहे थे उधर से। कहाँ से आ रहे थे? हरबसपुरा से। ठीक है। ये इधर कानमुखी साइड से जा रहे थे, तो जो रिक्शे वाला था वो रॉन्ग साइड आ गया था। अच्छा। तो उन्होंने इनको ठोक दिया। अच्छा। दो मियाँ बीवी थे, इनके साथ में गाड़ी पे बैठे थे, यहाँ पे मिसेस वगैरह और वो थे। अच्छा। क्या इन्होंने उनको ठोक दिया क्या, और वो लेके रिक्शा लेके भाग गया। अच्छा। कितने बजे घटना ये? ये करीबन 12:30 बजे की है। अच्छा। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आए? हॉस्पिटल हम ही लेके आए, यहाँ लेके आए। अच्छा। डॉक्टर अपना यहाँ है कालमुखी में। हाँ। मैं कालमुखी के रहने वाला हूँ। ठीक है। तो अपना डॉक्टर है वहाँ पे, अपना दोस्त है वो, उनके वहाँ से उनकी गाड़ी से लेके यहाँ पर रेफर करा क्या, और वो यहाँ से लेके चले गए। उन्होंने बोला तुमको जैसा लगता हो आप कर लो। आपने पुलिस रिपोर्ट करवा दी? हाँ, पुलिस रिपोर्ट करवा दी, यहाँ पर लगवाई है। उसके बाद में हमको धनगांव थाना लगता है, अभी तक हम धनगांव थाने में नहीं गए। तो अगर वैसा होगा, अगर कभी यहाँ से कभी मिला तो हम धनगांव थाने में जाके उनकी रिपोर्ट करेंगे। उनके गाड़ी नंबर वगैरह सब हमारे पास है। अच्छा। पहचानते हो रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को? नहीं पहचानते। ठीक है। अनजान थे वो? वो अनजान थे। वो बोल रहे थे क्योंकि हम अपना जामिया के रहने वाले हैं, और भोपाल हम भोपाल से हम यहाँ वोट डालने आए थे, वो वहाँ जाने का बोल रहे थे, मतलब उन्होंने इतना बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश करजरे है। आप इनके कौन लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ। कहाँ रहते हो आप? कालमुखी। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।